आपको ऐसा फील होगा कि ये भी घूम रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है। हेलो, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाने वाले हैं जिससे आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज्ड होंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो मज़ा आने वाला है आपको पूरी वीडियो में। और हम जाने वाले हैं अभी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स में, और ये आपका सीवे में पड़ता है, कन्नौट प्लेस में। और आपको क्या करना है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है आपको वहाँ पर उतरना है, और जो गेट नंबर 8 है आपको गेट नंबर 8 से बाहर निकलना है, और उसी के सामने आपको म्यूजियम ऑफ इल्यूजन दिख जाएगा। और इसकी दोस्तों टिकट्स वगैरह आपको या तो ऑनलाइन करनी है और ऑफलाइन भी कर सकते हो यहाँ पे। ऑनलाइन कर दो। तो हमने ऑफलाइन टिकट ली है, और यह है आपके टिकट 1392 की पड़ी है। टॉफी जा खा लेते हैं, खा लेते हैं, खा लेते हैं, खा के भी नहीं जा सकते। क्यों टॉफी क्यों अलाउड नहीं? दो सेक्शन से आधे आधे घंटे के, एंड ये सेल्फ गाइडेड टूर है एंड रीविजिट अलाउड नहीं है सेक्शंस के बीच। स्टार्ट अप लेफ्ट इधर से टिल्टेड रूम का इल्यूजन। तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप टिल्ट हो रहे हो, जैसे आप अभी ये आप ऐसे सीधे खड़े हो रहे हैं, आप दोस्तों ऐसे सीधे खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि कैमरे इस पे क्या बोलते हैं मिरर पे कि आप टेढ़े हो रखे हैं, जबकि हम सीधे खड़े हैं। यह है दोस्तों आपका रिवर्स्ड रूफ। यहाँ आपको क्या दिखेगा कि ऊपर एक टाइप ऑफ ऑटो है, और आप इस पे हाथ लगा के फिर फोटो को उल्टा कर सकते हो। तो जैसे आप देखिए ये फोटो पे, हाँ इसको हाथ लगाएंगे फिर ये फोटो को ऐसे कर लेंगे उल्टा, तो फिर ये ऐसे लगेगा कि आपने इसको उठा रखा है। आपको यहाँ पे इसके लिए दो पर्सन चाहिए, एक को इधर से खड़ा होना है और एक को उधर से खड़ा होना है, और ये आपकी फ़ोटो ले लेंगे यहाँ पे, और आपको इस टाइप की फ़ोटो दिखेगी। फिर इसमें ऊपर से शकल मेरी है, बीच में शकल किसी और की है। इसमें दोस्तों इल्यूजन क्या है कि अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ये लाइन जिगजैग में लगेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखोगे तो ये सारी लाइन्स आपको पैरेलल दिखेंगी इधर से। इस वाले में क्या है, आपको ओके ये कौन से टाइप का इल्यूजन है आपका, फ्लोटिंग सर्कल काइंड ऑफ इल्यूजन। तो इसमें क्या है कि अगर आप अपने हेड को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर का सर्कल घूम रहा है, बट एक्चुअली ये कुछ घूम नहीं रहा है। ये देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि ये आपके व्हाइट स्पॉट्स हैं, ये आप अगर आइज ब्लिंक करोगे तो आपको ब्लैक स्पॉट इंस्टेंट दिखेंगे। इसमें क्या है कि आपको इसमें ऐसा लगेगा कि ये इससे टकरा जाएगा, बट जब आप इसको घुमाओगे तो इसको पास कर रहा है। ये देखिए ये इसको पास कर रहा है। इसमें दोस्तों अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो आप हिप्नोटाइज भी हो सकते हैं इसमें, और आप जैसे जैसे धीरे धीरे देखोगे आपकी आँखें घूम जाएगी, तो आपको ज़्यादा देर तक इसे देखना भी नहीं है। ये दूसरा है, इसमें भी आपको सेम लगेगा। हाँ अच्छा दोस्तों, इस वाले में क्या है कि अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक के ऊपर एक फ्लोट कर रहा है। दोस्तों ये आपका है इन्फिनिटी वॉल, तो अगर आप इसमें चढ़ोगे तो ये देखो नीचे तक ऐसा लग रहा है इन्फिनाइट नीचे तक जा रहा है, और ऐसे आपका ऊपर भी।
इल्यूजन तो मुझे भी नहीं लग रहा है कुछ। तो ये आपका है एंस रूम। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला पर्सन बड़ा दिखेगा, और यहाँ पे जो खड़ा होगा आप ये यहाँ पे जाएगा और ये कितना छोटा दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिखेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। डिजाइन ये है कि ये आपका टिल्टेड काइंड ऑफ है। यहाँ पे जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, और जो वो पर्सन है वो बहुत कम हाइट पे है, इसीलिए वो छोटा दिख रहा है और मैं बड़ा दिख रहा हूँ अभी। इसका कि ये आपको ऐसा लगेगा कि एक चेयर है, लेकिन अगर आप इसके नज़दीक जाओगे तो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर दो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा। ये इल्यूजन ये है कि आपको ये लगेगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और आप इसको अगर इस पे रखोगे तो इसका ये सेम आ रहा है, और अगर इस पे भी रखोगे सेम आ रहा है। इस वाले में क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो ये वाला, इसका जो ये साइड वाला पोज है, ये आपका बहुत बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन जब आप इससे इसको इससे मेजर करोगे तो आप, अगर मैं इसको इस पे लगाता हूँ तो आप अगर देखो इसमें, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे फिट आ गया है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये वाली चीज़, तो ये भी यहाँ पे फिट आ गई। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, लेकिन जब आप इसको एक्चुअल इससे करोगे तो ये दोनों बराबर ही हैं। दोस्तों ये आपका है सिमेट्री रूम वाला इल्यूजन। सिमेट्री दिख रही है इसमें, इसकी आधी बॉडी का पार्ट तो इधर है लेकिन दूसरी बॉडी का पार्ट इसका मिरर से दिख रहा है। इन्फिनिटी रूम है, और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि सारी जगह आप ही हो। ये देखिए, आपको हर जगह आप ही दिखोगे। ये लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये आपका दूसरा टाइप है, हेड ऑन द प्लेट बोलते थे। इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गर्दन बाहर आ रखी है अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ से यहाँ से अंदर जाना पड़ता होगा, यहाँ से अंदर जाना होता है। तो जाओ त्रिपाठी भाई, तो ये यहाँ से अंदर चले गए और यहाँ से इसकी गर्दन बाहर आ गई। इसमें क्या लगेगा कि जो ये कलर्ड लाइंस हैं ये ऐसे टिल्टेड लगेंगे आपको, लेकिन जबकि ये आपके स्ट्रेट हैं। आप अगर साइड से देखोगे तो ये सारी स्ट्रेट हैं, ऐसे देखोगे तो ये क्या लग रहा है, एक स्क्वायर टाइप का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इधर करोगे, अगर मैं इसको मूव करता हूँ इधर, तो ये देखो ये आपको सर्किल लग रहा है। अगर आप इसको, हाँ राइट, ये अभी स्क्वायर दिख रहा है, और अगर आप इसको मूव करोगे तो ये आपका सर्किल लग गया। ये आपका इन्फिनिटी टनल है, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इन्फिनिटी काइंड ऑफ कि यहाँ से ऐसे करके आपका फोटोग्राफी इल्यूजन है। इसमें अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा इधर के लिए दिख रहा है, लेकिन अगर इसको आप साइड पोज से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा उधर के लिए देख रहा है, इस साइड के लिए। इसमें क्या है कि अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ये फ़ोटो दिखेगी, ठीक है, और जैसे जैसे आप साइड हो जाते हो तो ये फ़ोटो गायब हो गई, फिर से आ जाते हो फिर से दिखेगी, फिर से साइड हो जाओगे फिर से गायब हो गई। ये आपका क्लोन टेबल इल्यूजन है। इसमें आप देखिए ऐसा लग रहा है कि आप पत्ते अपने साथ ही खेल रहे हो। इसमें आपको कौन सी लाइन बड़ी लग रही है, ये वाली लाइन आपको बड़ी लग रही होगी, ये वाली लाइन आपको छोटी लग रही होगी, राइट। तो लेकिन एक्चुअल में दोनों लाइन बराबर हैं। देखो इससे मैं मेजर कर रहा हूँ, ये भी सेम है, और यहाँ पे क्या, और ये भी सेम है। गाइस ये आपका बिल्डिंग इल्यूजन है। तो इसमें आपको ऐसे ही लेटना है, और यहाँ पे एक बंदा आपका हाथ पकड़ेगा, और अगर आप फोटो लोगे उधर से तो ऐसा लगेगा कि आप लटक रहे हो, और अगर आप यहाँ से देखोगे, ये देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो लटक रहे हैं। दोस्तों ये वाला इल्यूजन क्या है, मैजिक बॉक्स बोलते हैं।
तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये आपको क्या लग रहा है, एक ट्रायंगल लग रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे मूव करोगे यहाँ से तो देखिए ये आपका स्क्वायर लग रहा है। फिर से मैं पीछे जाता हूँ, इधर से ट्रायंगल लग रहा है, क्या स्लेंडर मिरर यूज है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप उसको देखोगे उधर उधर आपको ऐसे लगेंगे कि स्टेप्स बने हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगेगा कि ये स्टेप्स हैं, सीढ़ी पे चढ़ने के स्टेप्स हैं, बट एक्चुअली में स्टेप नहीं है। ये है दोस्तों आपका कलर रूम। इसमें क्या है कि तीन डिफरेंट लाइट है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और आपको अपने उसके तीन तीन रिफ्लेक्शन दिखेंगे वहाँ अलग अलग कलर्स में। तो ये इल्यूजन है आपका मूविंग सर्किल। तो ये एक जस्ट एक इमेज बन रखी है, और अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी मूव कर रही है सारी सर्किल्स। आप देखो इसको। तो दोस्तों ये वाला इल्यूजन क्या है कि जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे ये भी आपकी तरफ मूव करते रहेंगे। ये देखिए ये इधर मूव कर रहे हैं, और जैसे जैसे मैं इधर के लिए मूव होऊंगा ये देखिए। ये है दोस्तों आपका वर्टेक्स टनल, जो कि सबसे मस्त इल्यूजन है, जिसमें सबसे मस्त इल्यूजन आएगा। तो आप देखिए आपको ऐसा फील होगा कि ये भी घूम रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप भी घूम रहे हो इसके साथ, और इसमें चक्कर काइंड ऑफ आ रहे हैं। आपका वर्टेक्स टनल, और इसके अंदर जाके चक्कर वगैरह आ रहे हैं और सर घूम रहे हैं। गांधी जी को देखिए आप, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे वैसे गांधी जी की आंख भी मूव हो रही है। इस वाले इल्यूजन में क्या है, जैसे जैसे आप राइट्स में चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भी मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में ये मूव करते नहीं है। और ये आपका यहाँ से देखिए 3D टाइप का डायग्राम है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, ये देखिए इधर से भाई। ये देखो दोस्तों इसमें आपको कितने सारे चेहरे दिख रहे हैं हमारे इसके। तो जैसे ये येलो लिख रखा है, लेकिन ये जिस कलर का है वो आपको बोलना है। तो अभी त्रिपाठी भाई हमारे वो करेंगे, तो आप ब्लू येलो ब्लू ब्लैक। तो आपके यहाँ गिफ्ट शॉप है, यहाँ से आप अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स वगैरह ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक घंटे करीब रुकने देते हैं, और हो गया हमारा टाइम। हम 5:30 बजे आए थे और 7 बज गए, और हमने सारी चीज़ें देख ली हैं और काफ़ी मज़ा आया। और आप भी आइए बिल्कुल यहाँ पे, ये आपके सीपी में राजीव चौक के पास। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।